नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूल नक्षत्र में यदि किसी शिशु का जन्म हो अथवा किसी कन्या का जन्म हो तो उसका क्या अशुभ फल होता है, उसके चारों चरणों का क्या शुभ अथवा अशुभ फल कहा गया है, या मूल नक्षत्र में यदि किसी शिशु का जन्म हो तो लोक श्रुति ऐसी है कि पिता जो है उस बालक का अथवा उस कन्या का 8 वर्षों तक मुख न देखे, अथवा पिता या उसकी माता या उसका परिवार उस कन्या अथवा उस शिशु को परित्याग कर दे। मतलब जो अनेक प्रकार के जनमानस में श्रुतियाँ फैली हुई हैं, तो उसका क्या वास्तविकता है इस मूल नक्षत्र को लेकर के, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं शास्त्रीय रूप से। मित्रों, जब भी आप मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के नक्षत्र प्रकरण के 55 संख्यक श्लोक को देखेंगे तो उसमें मूल नक्षत्र के प्रत्येक चरणों के शुभ और अशुभ फलों के विषय में बताया गया है। और इसी नक्षत्र प्रकरण के 53 और 54 संख्यक श्लोक को आप देखेंगे तो उसमें अभुक्त मूल के विषय में बताया गया है। मित्रों, मूल नक्षत्र एक अलग होता है और अभुक्त मूल जो होता है वो अलग होता है। जो 8 वर्षों तक शिशु अथवा कन्या का मुख जो है पिता न देखे अथवा उसका परित्याग कर दे, यह जो नियम है वह केवल अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए शिशु पर ही वो प्रभावित होता है। तो अभुक्त मूल होता क्या है, उसके संदर्भ में एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, आप उस विषय को देख सकते हैं। यहां पर केवल मूल नक्षत्र में उत्पन्न शिशु की ही चर्चा की जाएगी कि उसका क्या प्रत्येक चरणों का क्या शुभ फल होता है अथवा क्या अशुभ फल होता है। तो जब भी आप 55 संख्यक श्लोक देखेंगे मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के नक्षत्र प्रकरण का, तो उसमें आचार्य कहते हैं, आचार्य रामदेव उस श्लोक में कहते हैं कि आद्य पिता नाश मुपैति मूल पादे द्वितीय जननी तृतीय धनम चतुर्थो से शुभोत शुभोथ शांत्या सर्वत्र सत्यात अहिभे विलोमम। तो आचार्य वहाँ पर कहते हैं कि यदि मूल नक्षत्र में जो हमारा 27 अथवा 28 नक्षत्र होता है, अश्विनी भरणी कृतिका इत्यादि प्रारंभ करके, तो इन 28 नक्षत्रों में जो सर्वाधिक अशुभ नक्षत्र की श्रेणी में आता है वो आता है हमारा मूल नक्षत्र। वो इसलिए अशुभ नक्षत्र की श्रेणी में आता है क्योंकि उस मूल नक्षत्र का यदि हम स्वामी देखें तो मूल नक्षत्र का स्वामी होता है निरति अर्थात राक्षस। तो मूल नक्षत्र का जो नक्षत्र देवता है वो है राक्षस। तो इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले शिशु जो है अनेक प्रकार के कष्टों को भोग करते हैं, अनेक प्रकार के दुख का उपभोग करते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं। बाल्यकाल तो ऐसे बच्चों का अत्यंत कष्टपूर्वक बीतता है, शारीरिक कष्ट हो अथवा सामाजिक कष्ट हो या अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई से संबंधित हो गए या सामाजिक स्थितियाँ हो गई। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, तो उनके साथ क्या क्या विसंगतियाँ हुई, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो आप जानते हैं ही। तो जो भी बच्चा मूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है, विशेष करके जो अभुक्त मूल में होता है, उसके साथ तो ये सारी घटनाएं अवश्य घटित होती हैं, लेकिन मूल नक्षत्र में भी यदि किसी शिशु का जन्म है तो वो भी अशुभ नक्षत्र की श्रेणी में आता है क्योंकि उस नक्षत्र का स्वामी हो जाता है निरति अथवा राक्षस। लेकिन यदि हम देखें तो मूल नक्षत्र का जो राशि बनती है वो होती है धनु, और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। मूल नक्षत्र में यदि उत्पन्न शिशु है, यदि वो जीवित रहता है, मतलब परेशानियों का संघर्षों का सामना करते हुए वो जीवित रहता है, तो वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी जरूर बनता है और उसके जगत में प्रसिद्धि होती है। तो मूल नक्षत्र में ये अत्यंत शुभ बात कही गई है। तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में देखिए, यहाँ पर जो अभुक्त मूल के जो चरणों की बात होती है, अभुक्त मूल के जो घटिकाओं की बात होती है, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है कि जैसे अभुक्त मूल जो बताया गया है कि मूल नक्षत्र के शुरू की 4 घटी आप कह लें, या शुरू की 1 घटी आप कह लें, या शुरू की आधी घटी कह लें, तो इनमें ये फल प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो अभुक्त मूल की श्रेणी में आता है और अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए शिशु का परित्याग कर ही देना चाहिए अथवा पिता और माता उस शिशु का 8 वर्षों तक मुख ना देखे। यहां पर हम बात करेंगे कि अभुक्त मूल नक्षत्र जो हमारा होता है उसके प्रथम चरण में यदि शिशु का जन्म है तो आचार्य कहते हैं कि आद्य पिता नाशम उपैति, मतलब मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि किसी शिशु का अथवा किसी कन्या का जन्म हुआ है तो पिता का नाश होता है, मतलब पिता को कष्ट होता है, पिता को सामाजिक रूप से कष्ट हो सकता है, आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, शारीरिक रूप से नुकसान होता है, ये सारी जो विषम परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में किसी शिशु का जन्म हुआ है
तो प्रथम चरण मतलब लगभग 15-15 घटी का सामान्य मान से यदि हम देखें तो 6-6 घंटे का एक चरण होता है। यदि एक नक्षत्र की हम कल्पना करें तो 24 घंटे का लगभग एक नक्षत्र का मान होता है, मतलब 60 घटी का एक नक्षत्र का मान होता है। तो 15-15 घटी अर्थात 6-6 घंटे का एक एक चरण होता है। तो यदि जन्म काल में मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में शिशु का जन्म है, कन्या का जन्म है, तो वो प्रथम चरण में उत्पन्न शिशु अथवा प्रथम चरण में उत्पन्न कन्या अपने पिता के लिए कष्टकारक होती है। तो ये हुआ प्रथम चरण की बात। दूसरा जो चरण होता है, जो दूसरे चरण में यदि किसी शिशु का या कन्या का जन्म हो तो जननी का नाश करता है, अर्थात माता को कष्ट देता है। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि किसी शिशु अथवा कन्या का जन्म हुआ है तो माता को कष्ट देता है, माता को शारीरिक कष्ट देता है, माता को आर्थिक कष्ट देता है, अथवा शारीरिक पीड़ा या जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं उनमें वो कष्ट को उत्पन्न करता है। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि किसी शिशु अथवा कन्या का जन्म हुआ है तो इसी प्रकार से मूल नक्षत्र के यदि तृतीय चरण में किसी शिशु अथवा कन्या का जन्म हुआ है तो आचार्य वहां पर कहते हैं कि धन का नाश होता है। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी शिशु अथवा कन्या का जन्म हुआ तो धन का नाश होता है, मतलब माता के धन का नाश होगा, पिता के धन का नाश होगा, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, अथवा उस शिशु के जन्म के समय अत्यधिक धन का खर्च हो सकता है, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में उस शिशु का जन्म हो तो धन का नुकसान होता है तृतीय चरण में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है। तो अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। तो मूल नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो प्रायः शुभ माना जाता है, वो उतना अशुभ नहीं होता है, मतलब माता का नुकसान या पिता का नुकसान या धन का नाश, ये तीनों स्थितियां जो है चतुर्थ चरण में नहीं होती हैं। तो आचार्य ने कहा है कि जो मूल नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण होता है वो चतुर्थ चरण अत्यंत शुभ माना जाता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है वो धीरे 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 कम होने लगता है, क्योंकि मूल नक्षत्र अपनी समाप्ति पर है और उसका स्वामी स्वयं बृहस्पति ही होता है, धनु राशि का स्वामी। तो इसीलिए मूल नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है वो अत्यंत शुभ माना जाता है, उसमें जातक की वृद्धि होती है। लेकिन मान लीजिए यदि प्रथम चरण में अथवा द्वितीय चरण में अथवा तृतीय चरण में जन्म हुआ है और उसका उपाय क्या करना चाहिए, उसकी शांति किस प्रकार से करानी चाहिए, तो आचार्य ने बता दिया कि यदि आप मूल नक्षत्र की शांति करा लेते हैं तो आचार्य ने निर्देश भी दे दिया कि सर्वत्र सत् स्यात्, मतलब सभी जगह पर, मतलब सभी चरणों में शुभ हो जाता है। क्या? शुभोथ शांत्या, मतलब शांति करा देने से मूल नक्षत्र की जो शांति होती है, मूल नक्षत्र की यदि शांति करा देंगे तो सभी चरणों में शुभ हो जाता है। मतलब प्रथम चरण में जो पिता को कष्ट बताया गया है, द्वितीय चरण में माता को कष्ट बताया गया है, तृतीय चरण में धन का नाश बताया गया है, तो मूल नक्षत्र का यदि हम शांति करा लेते हैं तो ये सारी जो अशुभ स्थितियां हैं वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि आचार्यों का निर्देश है कि सर्वत्र सत् स्यात्, मतलब शुभ हो जाता है यदि आप मूल नक्षत्र की शांति करा देते हैं। तो मूल नक्षत्र की शांति कब करानी चाहिए? तो जब भी अग्रिम मास में वो मूल नक्षत्र पुनः प्रारंभ हो, अथवा 2-3 महीनों के अंतराल में जब भी वो मूल नक्षत्र आ रहा हो, और अधिकतम वर्ष भर के अंदर तो मूल नक्षत्र के प्राप्त होने पर मूल नक्षत्र की शांति करा देनी चाहिए, जिसे हम सतैसा शांति भी करते हैं। तो ये होता है मूल नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में जन्म होने पर शिशु का शुभाशुभ फल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। नमस्कार।